नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए से ब्लॉग में। आज मैं आपको पटना से समस्तीपुर का टोटल डिस्टेंस, टाइमिंग और रूट बताऊंगा, तो आप इस ब्लॉग में बने रहें। अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं फ्यूल लेने के लिए, उसके बाद हम लोग टाउन होके निकलेंगे। अभी हम लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच गए हैं, भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप। अभी हम लोग फ्यूल ले लिए हैं और हम लोग हाईवे होके ना टाउन होके निकलेंगे। तो वापस हम लोग घूम गए हैं टाउन की ओर, और टाउन होते हुए सीधे हम लोग महात्मा गांधी सेतु पुल के पास पहुँचेंगे। अनीसाबाद गोलंबर से हम लोग आगे बढ़ गए, वो सीधे चरिया तट पुल होते हुए राजेंद्र नगर होते हुए कुमरार होते हुए हम लोग सीधे गांधी सेतु पुल पकड़ लेंगे। निकले थे टाइम पे, अब राजेंद्र नगर आके जाम में फंस गए। यहाँ का बड़ा बुरा स्थिति है जाम का, कुछ नहीं कहा जा सकता। हम सोचे थे कि टाइम पे पहुँच जाएंगे समस्तीपुर, लो यहीं रह गए राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास। देखते हैं कितने देर तक यहाँ जाम होता है। अभी हम लोग गांधी सेतु पुल पार कर रहे हैं, और गांधी सेतु पुल पार करने के बाद हम लोगों को पासवान चौक जाना है। पासवान चौक से हम लोग जंदाहा की ओर मुड़ जाएंगे, और जंदाहा होते हुए मुसरी घरारी पहुंचेंगे। और मुसरी घरारी से मात्र 10 किलोमीटर आपको समस्तीपुर पड़ेगा, तो आप वीडियो में बने रहें। हाँ, और एक बात और, आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें, इससे सपोर्ट आपको मिलेगा।
और भी अच्छा अच्छा वीडियो आपको टूर वाला देंगे, तो आप वीडियो में इसे बनाए। हम लोग जंदाहा बाज़ार पहुंच चुके हैं और पटना के अनिसाबाद से जंदाहा तक का टोटल जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। और इसके बाद हम लोगों का पड़ेगा मुसरी घरारी, उसके बाद समस्तीपुर। अभी ये हम लोग जंदाहा बाज़ार पार कर रहे हैं। हम लोग मुसरी घरारी से आगे बढ़ चुके हैं समस्तीपुर की ओर, और पटना के अनिसाबाद से मुसरी घरारी का जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर है। और यहाँ से
ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर समस्तीपुर टाउन पड़ेगा, और यानी ओवरऑल देखें तो 100 किलोमीटर के आसपास आपको पड़ेगा पटना के अनिसाबाद से समस्तीपुर टाउन। और आगे आपको लेकर चलते हैं, वीडियो में बनेगा। अभी हम लोग समस्तीपुर टाउन पहुंच चुके हैं, और पटना के अनिसाबाद से समस्तीपुर का जो डिस्टेंस है टोटल, ये देखिए 97 किलोमीटर के आसपास। अभी हम लोग समरालय समस्तीपुर के पास हैं, और हम लोग को जाना है ये ब्रिज पार करके रेलवे स्टेशन के आसपास। फाइनली हम लोग समस्तीपुर पहुंच चुके हैं, और पटना के अनिसाबाद से समस्तीपुर का जो टोटल डिस्टेंस है वो 98 किलोमीटर है, मतलब मान के चलिए 100 किलोमीटर के आसपास। और टाइमिंग की बात करें तो हम लोग चले थे सुबह में 6:30 बजे, और बज रहा है अभी 8:45 होने जा रहा है, तो मैंने 2-2.5 घंटा मैक्सिमम आपको लग जाएगा। अगर ट्रैफिक रहेगा तो 3 घंटा भी लग सकता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नए से वीडियो में। थैंक यू।